वल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो जो है वो है वो जी आउट ऑफ कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या, क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो सेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफी अच्छे से हम हमारे आज के दौर में भी ये चीजें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोगों इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी ज़ुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की अगर मैं बात करूं की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो क दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यन की अगर मैं बात करूँ कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है वो जी एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र रामगरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की बात मूवी की आप लोगों के सामने की आई एमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आज के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के, के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओय के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की सामने की आई जो कि काफी अच्छी खासीडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो क्सेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आज के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोगों इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी तो को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूज़र्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कॉन्टेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है जी आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की, की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीजें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टर में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस क़दर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी ज़ुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई जो, है, है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की, की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि ग्णि� काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानी से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि तो इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो क कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवो मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग जिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी तो 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 रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है जी सिक्स एट आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आईएमडीबी रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के, तो के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की, IMDb की, अगर मैं बात करूं। इस की IMDb जो है, वो क्या रखी है? तो यहां पर आप लोगों के सामने इस की आईएमडी रेटिंग रेटिंग है एंड है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो सेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलता और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कॉन्टेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो जो है वो है वो जी आउट ऑफ कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आज के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र रामगरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी ज़ुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की तो अगर मैं बात करूं की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो क दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यारह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यन की अगर मैं बात करूँ कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के, के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र रामगरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलता और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहिए हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है जी आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आज कल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और यहाँ पर सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र रामगरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहता हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूज़र्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के, के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है जी सिक्स आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की, की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड दे एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरलीटरली काबिल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओय के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की सामने की आई जो कि काफी अच्छी खासीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानी से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या, क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो सेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आज के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के, के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोगों इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 6 आउट ऑफ तो जो तो तो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूज़र्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या निया? इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबिल कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कॉन्टेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इस तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है आउट ऑफ जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूँ इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्टर में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या, क्या क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस क़दर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी ज़ुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग की अगर मैं बात करूं, कि इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आई जो, है, है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानी से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो क कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी कि इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवो मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग जिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं इस की आईएमडी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो है वो है आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहां पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने किया है इन चीजों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवो मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वेल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की रेटिंग रेटिंग की की अगर मैं बात करूं, कि इस मूवी जो है वो क्या रखी गई है तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएमडी रेटिंग जो जो है वो है वो आउट ऑफ कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने ही वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो सेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज़ मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज़ डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई एंड अभी फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहाँ पर देखने चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो यह मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए वल तो जी साल 2024 के अंदर कुछ पंजाबी मूवीज़ भी आई हैं साउथ इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने मूवीज़ प्रेजेंट कर रही हैं अगर आप लोग पंजाबी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमेडी भी होती है और कुछ अच्छा कंसेप्ट भी होता है मैं पर्सनली पंजाबी मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि पंजाबी मूवीज़ के अंदर हमें कोई भी वलगैरिटी देखने को नहीं मिलती और स्पेशली इसके अंदर एक हमेशा से ही अच्छा कंटेंट होता है और कॉमेडी इंटरटेनमेंट तो पक्का होता ही है हाँ कुछ मूवीज़ आजकल आ रही हैं ऐसी जो कि साउथ को कॉपी करना स्टार्ट हो चुके हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लेकिन यार वो उस कदर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पाती जिस कदर इनकी इंटरटेनिंग मूवी कॉमेडी मूवी या फिर कोई एक अच्छे कंसेप्ट वाली मूवी जो है वो आप लोगों को इंगेज कर लेती है तो अगर आप लोग भी पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई मूवी पंजाबी जुबान की मूवी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में ये एक ऐसी मूवी है जिसके जिसने साल 2024 में रिलीज़ होने के बाद एक काफ़ी अच्छा नाम कमाया और नाम कमाने के साथ साथ इसने पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाया है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड जानना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओए भोले ओए के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी आई रेटिंग और गूगल के यूज़र्स पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आईएमडी रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि इस की आई रेटिंग जो है है वो क्या रखी गई तो यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की आईएडी रेटिंग जो है वो है जी, 6 आउट ऑफ जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर, अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से 95 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल के यूजर्स की जानब से हासिल करना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और ये मूवी ने ही वो अचीव किया है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इंटरटेन करती है अगर मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग और आई रेटिंग के बाद कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को एंड क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से, से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है ड्रामा प्लस कॉमेडी और इस मूवी का कंसेप्ट इस कदर अच्छा बनाया गया है कि भाई आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आप लोगों को अमीर और गरीब के दरमियान जो कंसेप्ट दिखाया गया है भाई वो लिटरली लिटरली काबले कबूल है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम हमारे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इन चीज़ों के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया जो कि यहाँ पर इन्होंने सोशल मुद्दे उठाए हैं एंड यही चीज़ यही चीज मुझे इस मूवी की पॉजिटिव पॉइंट में भी मिली कि यार इस तरह की मूवीज डेफिनेटली आनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट किसने की है इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन की बात करें क्योंकि डायरेक्शन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है वरिंद्र राम गरिया ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर मैं बात करूँ कि क्या इन्होंने इस मूवी के अलावा कोई मूवी डायरेक्ट की है या नहीं तो जी नहीं ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है बाकी अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो रहता है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो वैसे तो प्योर पंजाबी जुबान की मूवी है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और आप लोग इस मूवी को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, क्या कुछ करना होगा इस वीडियो को फॉलो करते रहिएगा तो ये मूवी पंजाबी जुबान की मूवी है और अभी आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्योर पंजाबी जुबान में ही देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए